तो सबसे पहले बात करते हैं आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार के एक्शन की। उत्तराखंड के आपदा में कई लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोगों की तलाश अब भी जारी है। बिल्कुल, और इसी बीच आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जिलों का दौरा करेंगे। यहाँ सीएम धामी आपदा से ग्रस्त इलाकों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सीएम धामी चंपावत से लेकर पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करने के बाद में रात्रि विश्राम हल्द्वानी में करेंगे। आपको बता दें कि लगातार सीएम धामी आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहां पीड़ितों से बातचीत भी कर रहे हैं। तो जिन इलाकों का आज सीएम धामी दौरा करने वाले हैं, वहां आपदा के बाद काफी नुकसान पहुंचा है, इसी नुकसान का जायजा आज सीएम धामी लेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी आज आपदा ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, नुकसान का आकलन भी करेंगे और उन्हें सांत्वना देंगे। उत्तराखंड में जो बारिश के बाद लैंडस्लाइड और बाढ़ उसकी आपदा आई है, बहुत सारे लोगों के घर बह गए हैं, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, सड़कें, हाईवेज, डैम्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, जिसके कारण अचानक आई इस आपदा में बहुत से लोग बेघर भी हो गए, बड़ा नुकसान हो गया उनके बीच। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जाएंगे, न केवल नुकसान का आकलन करेंगे बल्कि पहले से ही उन्होंने निर्देश दिए हुए हैं कि सबको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए और जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, माकूल इंतजाम सबके लिए हो। प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर अपडेट ले चुके हैं और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा उत्तराखंड को दिया जा चुका है। आस्था देखिए, जिस तरीके से कल सीएम धामी पहुंचे, कई जगहों पर लोग भावुक हो उठे, जिनका घर बह गया, जिनके अपने नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने जब अपना दर्द बयां किया तो उनकी आंखें छलक उठी, वो भी तस्वीर हमने दिखाई थी। और हमारे सहयोगी पंकज इस पर नजर बनाए हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, बताइएगा, आज पुष्कर सिंह धामी तीन अलग अलग जिलों में जाएंगे, क्षेत्रों का दौरा करेंगे और किस तरह लोगों के बीच में आज होंगे और क्या बड़े ऐलान लोगों की सहूलियत के लिए आज वो कर सकते हैं? बिल्कुल आस्था, देखिए ये मुख्यमंत्री का लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का चौथा दौरा है। जब से उत्तराखंड में आपदा आई थी उसके बाद लगातार वो स्थल निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे हम नैनीताल की बात करें, खटीमा की बात करें, इसके अलावा चमोली की बात करें, लगातार वो उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हुई हैं। और इससे इस बात को हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इसमें तत्परता दिखाई है, उससे लोगों में एक उनके प्रति पूरा एक विश्वास बढ़ा है। और ये भी कहीं ना कहीं हुआ है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर सभी लोगों की सहायता करने के और आर्थिक मदद देने के सभी डीएम को निर्देश दिए हैं। आज चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ क्षेत्र के तमाम जो आपदाग्रस्त एरिया हैं वहां पर वो निरीक्षण करेंगे। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री त्वरित तौर पर वहां जाकर अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं कि आपको जो भी जिन लोगों को समस्याएं हैं, जिन लोगों के क्षेत्रों में आपदाएं आई हैं, चाहे उनका घर टूटा है या उनके किसी भी जानवर की या उनकी खुद की किसी परिवार की लोग की जान गई है, तो उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाए। और इसमें पर्यटन के हिसाब से भी देखा जाए तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान क्षेत्र में माना जा रहा है और 7,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद लगाया था कि कुमाऊ बेल्ट में 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत है उन्हें तत्काल दिया जाए। और एक बड़ी बात है कि कुमाऊ और हल्द्वानी क्षेत्र में भी लगातार ये कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, कहीं अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो उन्हें तत्काल निकाला जाए। और अब राहत की बात यह है कि पिछले लगभग 4 दिनों से मौसम पूरी तरह से साफ है और बारिश का पूरी तरह से किसी भी तरह का वो बना अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, तो इस स्थिति में अब जो राहत बचाव कार्य हैं वो तेजी से लगे हुए हैं और जो सड़कें ब्लॉक थी उनको खोलने का काम चल रहा है। तो अब आज तक ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे और वो लोगों से बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरह अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी पूरी तरह से इस पर अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। आपदा को लेकर वो अब पूरी तरह से कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, गणेश गोदियाल और गोविंद सिंह कुंजवाल जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो भी एक जो उनका कमेटी दल है वो अब इन क्षेत्रों का दौरा करेगा, एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपेगा कि किस तरह से इन क्षेत्रों में जो आपदा आई है उससे कितना नुकसान हुआ है। तो ये कह सकता है कि चुनाव बहुत करीब है और चुनावों से पहले दोनों ही राजनीतिक जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो अब जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज नैनीताल दौरे पर रहेंगे, तो पूरे जो राजनीतिक दल है वो अपने चुनावी एजेंडों को छोड़कर जो
रैलियां थी, तमाम जो कार्यक्रम थे वो आपदा के क्षेत्रों में लगे हुए हैं और लोगों के साथ खड़े होकर वो उनसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से ठीक, किसी चिंता की बात नहीं है, किसी को चिंता ना करें, आपके साथ हम खड़े हुए हैं, उसी को लेकर जिस पर मरहम लगाने के लिए अब लोग आएंगे। लेकिन ये निशान इतने आसानी से नहीं जाएंगे, यहाँ पर अभी कुछ दिनों तक इसके निशान बने रहेंगे, लोगों का दर्द बना रहेगा और सियासी पार्टियां भी आगे आती दिखाई देंगी। और आइए अब आपको बताते हैं सीएम धामी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आज क्या रहने वाला है। वो दौरे पर हैं तो सुबह 9 बजे देहरादून से 3 जिलों के दौरे के लिए रवाना होंगे सीएम धामी। बिल्कुल, और आपको ये बताएं कि चंपावत होगा, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, जहां वो पहुंचकर आपदा ग्रस्त इलाकों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जमीन पर क्या चल रहा है वो देखेंगे समझेंगे। इसके साथ साथ जो लोग आपदा से प्रभावित हैं, जो इस कहर के जद में आए हैं, उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। और निरीक्षण के बाद रात्रि विश्राम की अगर आप बात करते हैं तो वो हल्द्वानी में होगा, वहीं पर वो रात में रुकने वाले हैं।